नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कल के डेट में यानी कि आप देखेंगे 21/2/2022 के डेट में एक नोटिस जारी हुआ है आपके एसएससी जेई के रिस्पेक्ट में। मैं अक्सर कहते आ रहा हूँ कि जो आपका एसएससी है या जेई है उसकी वैकेंसी निकलने वाली है, तो उसी के संदर्भ में यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा डिवास्टेटिंग है, यानी कि दयनीय स्थिति है। तो क्या चीज़ें इसमें नोटिस में है, वही सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो शुरू हो, मैं आपको बता दूं कि गोल्डन टिकट बैक हो गया है, जिसके तहत आपको 12 महीने का जो पास है वो 18 महीने बढ़ा के कर दी गई है। अगर आप कूपन कोड ER मनीष यूज करते हैं तो 39 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा टेस्ट बुक के इस प्लेटफॉर्म पर। तो आप इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम हो, रेलवे का, SSC का, बैंकिंग का, डिफेंस का, टीचिंग का या UPSC का कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी का आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। 18 मई तक आपको कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी यहाँ पे मॉक टेस्ट कर सकते हैं। एनालिसिस आपको डिटेल में मिल जाएगा, हर एक क्वेश्चन का टिप्स और ट्रिक्स भी मिल जाते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर लीजिएगा। तो मैं बात कर रहा था, ये आपके SSC और JEE के जो वैकेंसी है उससे संबंधित ये नोटिस क्या है आप देख लीजिएगा। देखिएगा, इंगेजमेंट ऑफ स्टाफ अगेंस्ट पोस्ट SSE JEE ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, यानी कि SSC और JEE के जो वैकेंसियाँ है उस पे बहुत सारे लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बुलाया गया है। देखिए, मैंने शुरुआत ही में बताया था कि बहुत सारे SSC और JEE के वैकेंसी खाली है, तो इस प्रक्रिया में SSC और JEE की वैकेंसी को भरने की प्रक्रिया आपको भी पता है कि कम से कम 1 से 2 साल लग ही जाते हैं। मतलब कि हालांकि लगनी तो चाहिए 1 से 2 महीना, लेकिन लग जाते हैं 1 से 2 साल। जैसा कि रेलवे में अभी आप देख रहे हैं, ग्रुप डी की वैकेंसी हो या आपके LP टेक्नीशियन की वैकेंसी हो या आपके NTPC की वैकेंसी हो, तकरीबन 5 साल तो लग ही जाते हैं भरते भरते। तो अभी रिक्वायरमेंट के आधार पे जो है वो SSC और JEE की जो पोस्ट है उसको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अभी फिल कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस को हटा दिया जाता है ये तो आपको भी पता, लेकिन अगर तात्क्षणिक आवश्यकता है SSC और JEE का तो वहाँ पे आपको यहाँ पे इस तरीके से देखने को मिल सकता है। इन कंटिन्यूएशन ऑफ बोर्ड्स लेटर अंडर रिफरेंस द सेड स्कीम एक्सटेंडेड अप टू 19/11/2022 सेल इंक्लूड एंगेजमेंट ऑफ JTA, यानी कि ये टेक्निकल है, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, जिसका मतलब होता है टेक्निकल सुपरवाइजर। ये सब वही होते हैं JEE और SSC को ही इस तरीके के शब्द से डिनोट किया जाता है। आप देखिएगा, विथ सेलिंग ऑफ, यहाँ पे देखिएगा, विथ सेलिंग ऑफ 20 इन ईच जोनल रेलवे हुज डिप्लॉयमेंट सेल बी डिसाइडेड बाई जनरल मैनेजर। और ये जो डिप्लॉयमेंट होती है यानी कि नियुक्ति होती है वो जनरल मैनेजर के द्वारा डिसाइड होती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये हिंट है आपके उन अभ्यर्थियों के लिए या उम्मीदवारों के लिए जो कि SSC या JEE के पोस्ट के लिए एलिजिबल है और तैयारी कर रहे हैं। तो आशा करते हैं जल्द ही आपके SSC और JEE के वैकेंसी निकलने वाली है। और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो निकलती रहती है उस पर उतना फोकस मत कीजिएगा, क्योंकि इससे कोई हार्म नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि तुरंत आपको नौकरी नहीं मिलेगा, थोड़ा देर लग जाता है, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कुछ दिनों के लिए इन लोगों को बुलाया जाता है। ठीक है, तो आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।